और यहाँ से व्यू पॉइंट आ रहा है एकदम। तो गाइस लहरें बहुत तेज है और यहाँ पे महादेव का मंदिर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, कम बैक टू अनी वीडियो। सो गाइस, आज बहुत दिन के बाद आप मेरे को चैनल पे देख रहे होगे, क्योंकि आजकल गाड़ी थोड़ी अपनी ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। तो मतलब गाड़ी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, हाँ गाड़ी मतलब रिपेयरिंग कोड आ रहा था, और गाड़ी की हालत अभी सही हो गई है, तो इसकी वजह से अभी ब्लॉगिंग करने को स्टार्ट किए। एक दो महीना तो हो गया है, मुझे पता है कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। तो अभी गाड़ी सही हुई है, तो अभी गाड़ी सही करके अभी उससे घूमने के लिए आज निकले हुए हम। तो आज हम जा रहे हैं मतलब हरिहरेश्वर, मतलब एक साल पहले मैं आया था, तो तकरीबन एक मिनट एक बस को जान दो फिर आपको बता रहा हूँ। देख रहे हो कोई चूती लोग रहते चिल्लाते रहते। तो गाइस मतलब एक साल पहले मैं आया था, एक से डेढ़ साल पहले यहाँ पे आया था मतलब हरिहरेश्वर पे। और दिव्या गाड़ी ये सब तो मरुड़ बीच ये सब तो घुमा चुका हूँ आपको, तो हरिहरेश्वर अभी फिर से घूमने आए हैं अभी, मतलब अभी फिर से घूमने आए। तो अभी चलो हरिहरेश्वर को निकलते हैं, और अभी रास्ते में ही है, और अभी कपड़े उपड़े निकाल दिया, शर्ट वहाँ पर निकाल के रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी अभी ये रुमाल दिख रहा है, अभी रुमाल बांध देंगे और निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो आप ये मत सोचना डाकू दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी डाकू ही दिखूंगा थोड़ी देर में। तो चलो जल्दी से फटाक से निकलते हैं बिना देरी किए हुए। सो गाइस, ये जो टर्न दिख रहा है ना, ये जाता है दिव्यागढ़ को, और ये जो जा रहा है इस साइड, मतलब जो अपनी लेफ्ट साइड जा रहा है, ये जा रहा है मतलब हरिहरेश्वर को और श्रीवर्धन को, तो इस साइड जाना है। और अगर दिव्यागढ़ जाता हूँ तो मैं इस साइड से जाता हूँ, और यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा, और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ये साइड में आई डोंट नो कौन सा पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, यहाँ दिख जाएगा आपको। फिर यहाँ से आपको अगर दिव्यागढ़ जाना है तो इस साइड आप ले सकते हो राइट साइड, और हरिहरेश्वर जाना है तो इस साइड ले सकते हो अपना लेफ्ट साइड। कोकण में से गाय भैंसों का बॉर्डर रहता है, ये देखो आराम से खड़े है, कोई फिक्र नहीं है। तो अभी यहाँ पे पुर्जे गाड़ी के हिल रहे, एक एक स्क्रू हिल रहा है यहाँ से, थोड़ा ये रोड दिख रहा है ना ख़राब है, वीडियो में क्या मालूम कितना दिख रहा रहेगा, बट बहुत ख़राब है। और ये देखो सी का व्यू, ये पूरा सी का व्यू है, यहाँ पे पूरे नारियल के झाड़ है, पूरे नारियल ये दिख रहे हैं, कोकोनट ट्री। और कोकण में वैसे भी कोकोनट सस्ता है, कोकोनट का किसी को अगर वाटर पीना रहे तो बहुत सस्ता उसके लिए। और ये गाड़ी का ये यहाँ पे ये टूट चुका है ना, ये इस वजह से ये हिल रहा है, तो खट 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 आवाज़ आ रहा है, इसको भी ठीक करवाएंगे, अभी टाइम नहीं मिला इसकी वजह से नहीं करवाए। गाइस गाड़ी अभी पार्किंग में लगा दी है, और अभी हम पहुँच गए हरिहरेश्वर, और यहाँ से दिख रहा रहेगा आपको सी का व्यू, ये देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा रहेगा, अभी अच्छे से दिखाता हूँ। अभी एंट्री हो रही है हरिहरेश्वर के मंदिर में, और ये है हरिहरेश्वर का मंदिर, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे महादेव का मंदिर है, और आई थिंक पता नहीं और किस भगवान जी का है, बट इतना पता है कि महादेव जी का मंदिर है। और लाइन काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है इस बार, पिछली बार आया था तो इतनी लाइन नहीं थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा लाइन है। और हमें तो बीच पे जाना है मंदिर में, अभी जाने के लिए बहुत टाइम तक मुझे लगता है वेटिंग करना पड़ेगा। भाई फाइनली अभी हरिहरेश्वर के बीच पे पहुँच गए हैं, और यहाँ से व्यू पॉइंट आ रहा है एकदम हरिहरेश्वर का, और ये माउंटेन्स दिख रहा है, इसके उस साइड ही अपना श्रीवर्धन है, और यहाँ से ही थोड़ा हम वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे ये पत्थर वत्थर पे बैठ के इतना रिस्क नहीं लेंगे, अभी यहाँ पे दो चार मतलब वीडियो बनाएंगे, और वो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर ऊपर आ रहा रहेगा आईडी, उसको जाके जल्दी से फॉलो कर देना, जिसने भी फॉलो नहीं किया रहेगा इंस्टाग्राम पर मुझे, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। और यहाँ से ही पूरा मतलब ऐसे ही करके ये जो है बीच है, ये बीच का पॉइंट है, और ये साइड से ये मंदिर का, मंदिर के यहाँ से है ये रास्ता जो है मंदिर के यहाँ से आता है, और यहीं पे अभी वीडियो बनाएंगे हम थोड़ा बहुत अपना इंस्टाग्राम के लिए। गाइस ये देख रहे हो केकड़े, और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेहड़े, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ग्रेप्स बोलते, क्या बोलते हैं,
और देखो भाग रहे कैसे, ये देखो दिख रहा है, ये रहा, बहुत है यहाँ पर, बहुत है, तो साइड में बहुत है। और यहाँ वहाँ मंदिर के कोने से लेके यहाँ तक बीच है पूरा, यहाँ तक बहुत दूर तक है। और वीडियो का प्लान था यहाँ पे बनाने का, बट ये देखो यहाँ पे अगर खड़ा हुआ तो पक्का ही नीचे जाऊँगा। तो गाइस लहरें बहुत तेज है, बहुत तेज बोले तो यहाँ तक आती है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक आया है पूरा, यहाँ ऊपर तक जाता है शाम में, मतलब रात के टाइम पे यहाँ तक पूरी जाती है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ तक, जो दिख रही दीवार पूरी वहाँ तक जाती है, क्योंकि जिस टाइम हवा ज़्यादा रहती है उस टाइम और ज़्यादा प्रेशर से ऊपर तक जाता है पानी। सो गाइस अभी चलो चलते हैं घर पे, और घर से भी कॉल आया था तो अभी चलो घर पे निकलते हैं। अभी कुछ तकरीबन 3 बज चुके हैं और पूरा सन अपने ऊपर ही है, ठंडी का मौसम है इसकी वजह से, और मुझे सर्दी भी है इसकी वजह से मेरा आवाज़ चेंज हो गया है, और यहाँ पे देख के चलना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि ये देख रहे हो ना यहाँ पे स्लिप हो रहा है पूरा पत्थर जो है। और अभी लहरें तेज हो रही है, मतलब जितना शाम होगा वैसे लहरें तेज होगी, यहाँ तक आती है पूरी लहरें इसकी वजह से। चलो अभी फटाक से चलते हैं पार्किंग में, पार्किंग से निकलते हैं अपने घर पे, यहाँ से अप्रॉक्स 180 किलोमीटर है अपना घर, तो चलो फटाक से पहले निकलते हैं। अभी जूता पहनने का नुकसान मुझे पता चल रहा है कि भीगने के बाद चलने में तकलीफ होती है। तो गाइस अभी एक स्प्राइट की बॉटल ली है, और गाड़ी का स्प्राइट ख़त्म हो गया, मतलब गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, अभी है फिलहाल में थोड़ा बचा हुआ है, बट एक पॉइंट पे आ गया, और यहीं कहीं पे यही रोड पे कहीं पे है, अभी चलते देखते यहाँ कहीं है, अभी वहाँ पे करवाते उसको फुल पहले। और एक सुबह पिया था वो यहाँ पे, हम ऐसे कहीं पर फेंकते नहीं ऐसे, तो चलो पहले पेट्रोल फुल करवा दें। भाई पेट्रोल पम्प तो आ गए हैं, अभी गाड़ी पहले फुल करवा दें। पेट्रोल पंप देखने में बड़ा लग रहा है बट ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, यहाँ पे काम करने वाले भी कोई नहीं है, अभी एक बंदा ही, जो एक आदमी है वही पूरे पेट्रोल पंप को संभाल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर भर रहे थे पीने के लिए, और इसका भी ड्रिंकिंग वाटर फुल हो गया है, कितने में तो चली जाएगी अपने घर तक। अभी पेट पूजा चालू है, और ये गरम गरम अभी वड़ा पाव खाने का पेट पूजा चालू है, तो पहले से ख़त्म करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वड़ा पाव तो ठीक ठाक है, मतलब इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है, ठीक ही ठाक है। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं तामनी घाट के टॉप पे, और यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है, अभी कौन रुकेगा सनसेट देखने को, क्योंकि यहाँ पे अभी तामनी घाट ट्रिक्स की है बहुत रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है कहीं पे भी, और पूरा पूरा माउंटेन जो है जो सूख चुका है पूरा, सब ब्राउन कलर के दिख रहे देखो, और यही मानसून के टाइम पे बहुत अच्छा दिखता सीन। तो चलो फटाक से निकलते हैं पहले घर पे। तो गाइस यहाँ पे ये मंकी फैमिली, अभी कुछ कायलों ने खाने पीने को पाया है। हाँ टाटा बाय 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 बाय, आराम से खाओ टाटा। सो गाइस अभी फिलहाल में अपने घर के पास पहुँच चुके हैं, पीसीएमसी में एंट्री हो गई है। तो गाइस आज का ब्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, और आज के ब्लॉग में इतना तो दिखा नहीं पाया क्योंकि मतलब
इतना कुछ दिखाने लायक था भी नहीं कि मैं आप सभी को दिखा पाऊँ। तो ट्राई करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ किसी अच्छी जगह पे घुमाऊँगा और कोई अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइस आज का वीडियो बस पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ फिर नए ब्लॉग में।